माइंड ब्लोइंग। वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट वेरी इजी वेरी यमी ब्रेकफास्ट बनाते हैं, लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। यहाँ हमारे पास 3 हार्ड बॉइल्ड अंडे हैं, तो इसको हम ग्रेट कर लेंगे। आगे पीछे कभी भी बॉईल करके रख लें, फ्रिज में रखे हुए हों, और ये झटपट आप बना लें। तो तीनों इसी तरह कर लेंगे। और अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, जो कि कुछ यूं है, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी मिर्चे, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और झटपट इसमें डाल देंगे। साथ ही इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून, मेरे पास हरी प्याज है, अगर आप चाहें तो वाइट वाली भी डाल सकते हैं, हरी हरगिज़ ज़रूरी नहीं है। 1 टमाटो है जो मीडियम साइज़ का था, जिसका गूदा निकाल के उसको भी चॉप कर दिया है। 1 हरी मिर्च है जो कि थोड़ी सी तेज़ है, इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और यहाँ 2-3 टेबलस्पून हरा धनिया है, उसको भी चॉप कर लिया है। तो ये तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। बड़ी शानदार सी खुशबू आ रही है। ये हमारी स्टफिंग जो है वो रेडी हो गई, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा माइल जाना है तब आप डालेंगे मेयो। तो मैं यहाँ डाल दूंगी 2 टेबलस्पून। मेयो डालने से टेस्ट जो है, जिनको मेयो का पसंद है, इनहेंस हो जाता है, अच्छा लगता है, प्लस एक थोड़ी सी बाइंडिंग सी आ जाती है। तो ये हो गया, तो ये अच्छे से मिक्स हो गया। कटिंग बोर्ड ले लेते हैं। मेरे पास ब्रेड की स्लाइसेस है जो कि मैंने इसके किनारे काट ली हैं, और उसको हल्का सा बेलते हैं। बेलने के बाद इसमें डालेंगे हम फिलिंग, 1 टेबलस्पून के आसपास डालेंगे फिलिंग। यहाँ जो है पानी लगाएंगे आसपास और इसको बंद कर देंगे। अब इसमें एक ट्विस्ट है, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे ही रखें, लेकिन इसको मोर प्रेजेंटेबल बनाने के लिए आपको एक कोई भी ग्लास या रिंग होती है काटने की, कुछ भी ले लें और इसको इस तरह से काटेंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा मून सैंडविच बन गया। तो जहाँ से भी आपको ज़रूरत लगती है इसको यूं करके दबा दें और ये साइड में इस तरह से रखते जाएंगे। तो बस सारे इसी तरह से बना लेंगे। और अब इसकी झटपट एक अच्छी सी स्लरी बनाएंगे। तो यहाँ हमारे पास 4 टेबलस्पून मैदा है, इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें। अगर आपको ये स्लरी ना बनानी हो तो आपके पास एक और ऑप्शन है, आप अंडे को फेंटें और जो मैं इसके साथ करूँगी वो आप अंडे के साथ करें। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मीडियम थिक कंसिस्टेंसी की स्लरी बना लेंगे। इसको बनाने के लिए मैंने 3/4 कप पानी यूज़ किया है। यहाँ मेरे पास ऑयल है जिसका चूल्हा ऑन है, जिसे मैंने लो पे रखा था, अब मीडियम लो कर देंगे। अपने सैंडविचेस लेंगे, इसको डिप करेंगे और डाल देंगे। और अगर आप चाहें तो इसकी जगह गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। एब्सोल्युटली हेल्दी वर्जन बनाना है तो बस थोड़ा सा बटर वगैरह कुछ ग्रीस कर ले पैन में और उसको सेक लें। फ्लेम अब मीडियम कर देंगे। 1.5-2 मिनट के आसपास हो गए, इसे पलट देते हैं। देखिए बड़ा अच्छा सा कलर आ गया, तो
देखिए बिना मेहनत के इतना इजी है ये बनाना कि बता नहीं सकते। और फिर बजट फ्रेंडली भी कितना है, फैंसी शैंसी भी है, देखने में देखिए कितना क्यूट है। निकाल लेते हैं। सबको लगेगा आपने इतनी मेहनतों से पता नहीं क्या कर करके ये बनाया है। आटा गूंदा होगा, बेला होगा, क्या क्या जतन किए होंगे, फिर ये क्रिस्पी करारे फैंसी शैंसी बने होंगे। ये छोटे छोटे जो है ना कुरकुरे, ये निकाल लेते हैं। तो बस इसको भी डेढ़ दो मिनट के आसपास एक तरफ करेंगे, फिर डेढ़ दो मिनट के आसपास नेक्स्ट साइड। तो देखा कैसे झटपट हमारे ख़तरनाक से मून सैंडविच बन गए। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसे रहा। माइंड ब्लोइंग। क्रस्ट जो है वो क्रिस्पी है, अंदर से जूसी गुई। आउट ऑफ द वर्ल्ड। इतने गर्म है, लेकिन इतने गर्म है मेरा ही दिल जानता है। तो वो जो पहला बाइट था ना, वो आपका मेरा दोनों का साथ था। तो एक्सेप्ट करें, दोनों का साथ था। बाकी मज़ा आ गया, लेकिन थोड़ा सा ठंडा हो तो मज़ा ज़्यादा आएगा। तो बनाना बनता है, केचप के साथ खाएं, रूखा खाएं, लंच बॉक्स में दें, मेहमान आए तो दें, खुद आप ब्रेकफास्ट में खाएं, आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। और देखा बजट फ्रेंडली भी है, तो बनाना बनता है। तो चलिए जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।